बिहार की सियासत में रिटायर्ड नौकरशाह की एंट्री होने जा रही है। रिटायर्ड आईएएस मनीष कुमार वर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक सफर का आगाज करने जा रहे हैं, जिसके लिए आज जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मनीष कुमार वर्मा को जेडीयू का नया आरसीपी सिंह कहा जा रहा है, क्योंकि वो भी सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नवादा से आते हैं और कुर्मी समुदाय से भी हैं। नीतीश कुमार के बेहद वफादार और स्वजातीय होने के साथ साथ बेहद करीबी भी हैं, जैसे एक समय में आरसीपी सिंह को माना जाता था। नौकरशाही से सियासत में आए आरसीपी सिंह सीएम नीतीश कुमार की उंगली पकड़कर राजनीति में आगे बढ़े और जेडीयू की कमान संभालने का काम किया। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार एक ही जिले नवादा और एक ही जाति कुर्मी समुदाय से आते हैं, ऐसे में दोनों ही नेताओं की दोस्ती गहरी होती गई और आरसीपी सिंह देखते ही देखते नीतीश के आंख नाक कान बन गए। एक समय में नीतीश के बाद जेडीयू में वो नंबर दो की हैसियत रखते थे और पार्टी के अध्यक्ष तक रहे, लेकिन नीतीश से अलग अपनी सियासी पहचान तलाशनी शुरू की तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने में देर नहीं लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह का विकल्प मनीष कुमार वर्मा के रूप में तलाश लिया है। मनीष कुमार वर्मा भी आरसीपी सिंह की तरह आईएएस रहे हैं, नवादा के रहने वाले हैं और नीतीश कुमार की जाति कुर्मी से आते हैं, पटना और पूर्णिया के जिलाधिकारी रह चुके हैं। मनीष वर्मा ने वीआरएस लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अतिरिक्त परामर्शी के तौर पर पिछले कई सालों से सेवा दे रहे हैं। अब उन्होंने इस्तीफा देकर जेडीयू के साथ अपनी सियासत पारी करने की रणनीति बनाई है, इसके लिए बाकायदा जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मनीष कुमार वर्मा पिछले कुछ सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे हैं। वो भले ही जेडीयू की राजनीति में फ्रंट फुट पर ना दिखते थे, लेकिन बैकडोर से सारी गोटियां बिछाने का काम करते रहे हैं। मनीष कुमार ऐसे समय में राजनीति में कदम रखा है जब बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जा रही है, इसलिए मनीष वर्मा की जेडीयू में एंट्री महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये भी चर्चा है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन्हें कोई अहम जिम्मेदारी दे सकते हैं। आईएएस रहे मनीष कुमार वर्मा की करियर की शुरुआत उड़ीसा से की। साल 2000 में वो उड़ीसा कैंडर के आईएएस अधिकारी बने। उनकी पहली तैनाती उड़ीसा के कालाहांडी में सब कलेक्टर के रूप में हुई थी। इसके बाद वो गुनपुर और रायगढ़ में एसडीएम के पद पर रहे। 5 साल की सेवा के बाद उन्हें पहली बार मलकानगिरी जिले का डीएम बनाया गया। 2012 तक उड़ीसा के कई जिलों में डीएम रहे, लेकिन 2012 में इंटर स्टेट डेप्यूटेशन पर 5 साल के लिए बिहार आने का फैसला किया। बिहार आते ही मनीष वर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी बन गए, जिसके चलते महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। पटना पूर्णिया के जिलाधिकारी रहने के बाद मुख्यमंत्री का सचिव रहे। मनीष कुमार वर्मा का सियासी कद जेडीयू में वैसा ही हो सकता है जैसे एक समय में आरसीपी सिंह का हुआ करता था। आरसीपी के बीजेपी में जाने के बाद से जेडीयू में कुर्मी समुदाय के चेहरे की तलाश नीतीश कुमार को थी। ऐसे में नीतीश ने अपने गृह जिले और अपने सजातीय कुर्मी समाज से आने वाले मनीष वर्मा को विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पिच पर उतार कर राजनीतिक संदेश देने की स्ट्रैटेजी अपनाई है। ऐसे में देखना है कि मनीष कुमार किस तरह से राजनीतिक गुल खिलाते हैं।